होली के इस पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। रंगों का यह त्यौहार हम हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, नई ऊर्जा के साथ नए काम में जुटते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सौहार्द का एक माहौल ये त्यौहार हमको अवसर देता है। और उस दृष्टि से अब की बार लोकसभा के चुनाव भी हैं और हिमाचल प्रदेश में तो विधानसभा के भी उपचुनाव हैं, और निश्चित रूप से इसका एक अलग महत्व है। आओ इस लोकतंत्र के महापर्व को भी, इस त्यौहार को भी हम सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरा करने की दिशा में अपना योगदान दें। और मुझे पूरा भरोसा है सब चीज़ें अच्छी होंगी, देश भी आगे बढ़ेगा, प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। और एक बार फिर से मैं होली के इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, सर चारों टिकट डिसाइड हो गए हैं, नए चेहरों को मौका दिया गया है, मंडी से कंगना रनौत इस बार चुनाव मैदान में, कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? देखिए, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के टिकट जो है वो अधिकांश टिकट जो है वो घोषित कर दिए हैं। और स्वाभाविक रूप से हमारी तैयारी जो है वो बाकी राजनीतिक दलों से बहुत आगे चल रही है। और हिमाचल प्रदेश में अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई तय नहीं किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने चारों सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। और मैं सभी जो कैंडिडेट हैं, श्री अनुराग ठाकुर जी, उनको भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, सुरेश कश्यप जी, डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी और कंगना जी जो मंडी से पिछले कल घोषित हुई हैं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से जीत होगी। 2014 में भी हम चारों सीटें जीते थे, 2019 में भी चारों सीटें जीते हैं और 2024 में भी चारों सीटें जीतेंगे। देश की आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी है और इस बात को पूरा देश अनुभव कर रहा है और हिमाचल भी इस बात को अनुभव कर रहा है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हिमाचल अपना योगदान 100% देगा। थैंक यू।